dear students, in this module we are going to talk about the use of secondary data in our research design. collecting data from existing sources such as government reports, archives, surveys or census, we can use that secondary data to in analyze and to interpret and to draw different conclusions. that doesn't mean that we कैन नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ डेटा विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड वी हैव टू क्लेक्ट द डेटा बाई आवर सेल्व्स तो सोशोलॉजी की फील्ड के अंदर सोशल साइंटस्ट या सोशोलॉजिस्ट जो है ये बाउंड नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी डेटा को ही यूज़ करेगा बल्कि सेकेंडरी डेटा एज लॉन्ग एज द डेटा इज कमिंग फ्राम रिलायबल और क्रेडिबल सोर्सेज आप उस सेकेंडरी डेटा को यूज़ कर सकते हैं तो एवालएटिंग द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सेकेंडरी डेटा एंड देन यूजिंग द डेटा टू टेस्ट द रिसर्च हाइपोथेसिस और आंसर द रिसर्च क्वेश्चन तो आप जैसे कन्वेंशनली सर्वे मेथड के अंदर भी हम हाइपाथस uh, डेवलप करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं वाई हेल्प ऑफ प्राइमरी डेटा तो सेकेंडरी डेटा में भी वही मेकानिज़म एडॉप्ट किया जा सकता है उसमें फ़र्क सिर्फ ये होगा कि डेटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा आप हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं उस डेटा के ऊपर और वहाँ से अपनी फाइंडिंग्स ड्रा uh, करके तो कंकलूजन्स uh, ड्रा कर सकते हैं एनालाइजिंग द डेटा यूजिंग द स्टेटिस्टिकल और क्वालिटेटिव मैथड्स ये भी डिपेंड करेगा आपके सेकेंडरी डेटा की नोयत के ऊपर उसकी नेचर के ऊपर अगर वो स्टेटिस्टिक्स के फॉर्म में है तो ऑबियसली आप स्टेटिस्टिकल मैथड यूज़ करेंगे और अगर वो कॉन्टेंट की फॉर्म में है तो आप उसका कॉन्टेंट या क्वालिटेटिव कॉन्टेंट एनालिसिस कर सकते हैं जिस तरह से बाकी मेथड्स की जो है स्ट्रेंथ्स हैं वीकनेसेस हैं सेकेंडरी डेटा की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी हैं अगर उसकी रिलायबिलिटी इंश्योर करना आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अगर उसकी रिलायबिलिटी नहीं है तो डेटा की जो है ये एक लिमिटेशन होगी इसी तरह से सेकेंडरी डेटा को यूज़ करते हुए जो हाइपोथेसिस बिल्डिंग है उसको अंदर भी हमें सर्टन लिमिटेशंस का ख्याल रखना होता है मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान के जो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हैं उनको हम पाकिस्तानी सेंसस के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं अब जो सेंसस का डेटा है ये इंडिविजुअल्स के लिए या स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कलेक्ट करना शायद मुमकिन नहीं होता तो इस वजह से हम सेकेंडरी डेटा के तौर पर पाकिस्तान का जो सेंसस है सेंसस का डेटा है उसको यूज़ कर सकते हैं और उसमें से डिफरेंट डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनकी बुनियाद के ऊपर डिफरेंट हाइपोथेसिस को टेस्ट करके हम अपने कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं